हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकते हैं। ठीक है, एक कविता का एक पार्ट है जो लोग लिखते हैं बहुत अच्छे फॉर्म में, उसमें से एक लिया गया है। बोलने के लिए तो ठीक है, ये पार्ट है और ये है, लेकिन रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार इतनी हमारे लाइफ में टफ वाला पार्ट है, इतना इतना हम लाइफ में कैसे करें। बहुत सारे लोग अपने थोड़ा सा जो उनका स्ट्रगल वाला पार्ट होता है या थोड़ा सा संघर्ष होता है ज़िंदगी में, तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट डाउन हो जाते हैं। उनका डेडिकेशन टूट जाता है, उनका फोकस हट जाता है, वो मान लेते कि नहीं हो पाएगा। जबकि वो लोग उन सब लोगों की स्टोरी पढ़ते हैं कि ये कैसे अच्छा बना, ये कैसे सुपरस्टार बना, ये कैसे ज़िंदगी में अच्छा किया, ये सक्सेसफुल कैसे बना। उन सबकी स्टोरी में संघर्ष बहुत था, उन सबकी स्टोरी में बहुत पेन था उनकी स्टोरी में। तो जितने लोगों की भी आप स्टोरी पढ़ते हैं ना, उसमें से 90% लोगों की स्टोरी में बहुत पेन था, उतना पेन जितना आपको नहीं है। अब आपसे ज़्यादा पेन किसी को था, आपसे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में संघर्ष था, तो भी वो वहाँ तक पहुँचा, तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते। लेकिन वही है कि हमको लगता है कि लक चाहिए। एक एक माइंड में एक बैठा हुआ सेट किया गया है बरसों से कि लक बहुत मैटर करता है किसी को रिच बनने में या कोई सक्सेसफुल होने में। ये माइंड में तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है और ये बात दिमाग से नहीं निकलती। और हम अपने आप को कंपेयर भी करते हो, जब कंपेयर करते तो हमको लगता है कि हम दुनिया में तो मतलब हमारा कोई बहुत बड़ा बिग एग्जिस्टेंस नहीं है, वी आर नथिंग, ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं। तो कंपेयर तो करते हैं हम लोग, हमको लगता है कि यार हम अपने दोस्त 10 लोगों से तो कंपेयर नहीं कर पाते, तो पूरे इंडिया से क्या कंपेयर करेंगे, कैसे कैसे इतना बेहतरीन कर पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स ओके कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन कभी आप ट्राई कियो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम किया जाए। कभी ट्राई कियो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम्स, आपको पता है, सब इंडिविजुअल व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम्स पता है। उसका उसको पता है कि उसके नेगेटिव थॉट कौन से होते हैं, उसको पता है कि वो पॉजिटिव थॉट क्या रखता है। एक इंसान को अपने बारे में तो गुड आइडिया होता है, दुनिया में सिर्फ दो ही लोगों को आइडिया होता है, एक आपको और एक ऊपर वाले को, और किसी को नहीं पता होता आपके बारे में। आपके बारे में और कोई कैसे जान लेगा कि आप क्या सोचते हो, आपको पता है क्या कि आप क्या सोचते हो करके। तो कई बार अच्छे बोलने वाले लोग भी नेगेटिव थॉट रखते हैं, बहुत सारा नेगेटिव थॉट रखते हैं। समझना बहुत टफ है कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, जो वेरी टफ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर सोच लिए कि अगर मेरे को लाइफ में अच्छा करना है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना होगा। आपको कितना भी पेन है, कितना भी संघर्ष है ज़िंदगी में, कितना भी स्ट्रगल हो रहा है आपकी लाइफ में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ में इतना इतना आपको लगता है कि जो संघर्ष है। और मैं तो बोलता हूँ कि एक एस्पिरेंट जो सोचता है ना, उसके लाइफ में ये बहुत पेन वाली सिचुएशन है। जब असली ज़िंदगी में आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो पेन जो सोच रहे थे ना, वो पेन था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक एग्ज़ाम निकालना था और वो पेन नहीं था। अलग बात है कि आप अभी सोचते हो, जब आप रियल लाइफ में जब एंट्री मारोगे ना, तब आप देखना कि एक्चुअल पेन क्या होता है। तब आप देखना कि जब ज़िंदगी आपकी चालू होगी, मैरिज वगैरह होगी, बच्चे होंगे, तब आप देखना कि आप चिल्ला चिल्ला के रोना चाहोगे कई बार, लेकिन रो नहीं पाओगे क्योंकि वो ऑप्शन भी आपके पास नहीं होगा। तो ज़िंदगी जीना इतना आसान थोड़ी है, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है, सच में ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है। हमको लगता है कि ज़िंदगी जीने के लिए एक दो चीज़ें होना चाहिए, स्पेशली कोई पैसा दे दे हमको कुछ लाख या करोड़, तो ज़िंदगी फिर पूरी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी, मतलब ये पूरी ज़िंदगी में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यही हमारा सबसे बड़ा मिथ है कि आप ज़िंदगी में इस चीज़ को मानते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने लोगों के पास पैसा है, उनकी स्टोरी, इंटरनल स्टोरी तक अगर कोई पहुँचेगा, तो उसमें से 90% लोग पैसे को देख के हैप्पी होते हैं, ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन वही बात है कि ये इस मिथ को समझना बहुत टफ है, बहुत टफ है इस मिथ को समझना। तो ठीक है, उस साइड में नहीं जाते अपन, अपन जाते हैं अपनी स्टोरी में, अपनी ज़िंदगी की स्टोरी, अपनी स्ट्रगल की स्टोरी। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है और आपसे ज़्यादा स्ट्रगल करके कोई ज़िंदगी में कुछ किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्वेश्चन यहीं पे आता है। आपको लगता है कि कंफर्ट जोन में चीज़ें होती, कंफर्ट जोन में नहीं होती। एक इंसान का जो पोटेंशियल है उसको पता ही नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट में अगर होगा, एक जंगल में अगर होगा, और जंगल में अगर शेर अगर उसके सामने आ गया, तो वो कभी ना, वो ट्री, जो पेड़ होता है, जो ट्री कभी चढ़ा नहीं होगा, वो चढ़ जाएगा, या वो अपनी स्पीड इतनी स्पीड से भाग सकता है जब उसकी जान की बारी आएगी। तो इंसान को अपना पोटेंशियल नहीं पता होता। इंसान अपना पोटेंशियल एकदम लास्ट मोमेंट पे यूज करता है और कई बार लास्ट मोमेंट पे हार जाता है। तो इंसान ना उसके पहले जो बीच का जो पीरियड रहता है, उसमें कभी भी ट्राई नहीं मारता। अगर वो जो लास्ट मोमेंट पे जो ट्राई मारता है, उसका अगर 10% 20% 30% भी अगर जर्नी में ट्राई मारा जाए, तो चीज़ें बहुत चेंज हो सकती है।
लेकिन इंसान हमेशा लास्ट में मारता है, वो लास्ट का एग्जाम, लास्ट के एक दिन में पढ़ना, लास्ट के 6-7 दिन में नोट्स जुगाड़ना, वही सबका पार्ट है। हम सब लास्ट मोमेंट पे रहते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे भी हम करके कर लेते हैं, इसका मतलब पोटेंशियल तो इंसानों में है ना, और कोई किसी का पोटेंशियल चेक नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कर सकता है। एक नॉर्मल से व्यक्ति को जिसको आपको लगता है कि बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है, आप 15 साल बाद देखना वो साधारण सा व्यक्ति कहाँ होगा, वो साधारण सा व्यक्ति असाधारण बन जाएगा। आप देखते रह जाओगे और आपके 15 साल निकल जाएंगे सिर्फ इस सोच में, इस थॉट में कि ये नेगेटिव है वो नेगेटिव है, इस सोच में। कुछ साधारण से लोग जिनको आप जानते हो, जिनको आप जानते हो, गूगल की स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, जिनको नहीं जानते, कुछ साधारण से लोग जिनको आप जानते हो वो असाधारण बन जाएंगे। और उस दिन बहुत पेन होगा, क्यों? पेन तब होता है जिनको हम जानते, और हम जिसको 2 साल 4 साल या 5 साल से जानते, और हम जानते कि यार मैं इससे इंटेलिजेंट हूँ, मैं इससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ बात करने में, कंसेप्ट वाइज सोचने में, इन जनरल हम कंपेयर करते हैं तो हमको पता है कि मैं इससे अच्छा हूँ, लेकिन 15 साल बाद वो हमसे यार 10 गुना आगे रहेगा, तो ये डाइजेस्ट करना टफ होता है और ये पेन होता है, बहुत बिग पेन होता है। क्यों? क्योंकि जो आने वाले जो 15 साल है उसमें आप कभी ना अपने आप पे काम ही नहीं किए, आप बस नेगेटिविटी सोचते रहे सोचते रहे, अपने आप तो कुछ मैजिक होता नहीं ज़िंदगी में, तो आप अपने संघर्ष के साथ फाइट नहीं किए, आप जो स्ट्रगल वाला पार्ट था उसको सोचे नहीं कि ओवरकम कैसे करना है, आप अपने वीकनेस पे काम नहीं किए, तो 15 साल बाद भी आपकी सेम वीकनेस रह गई। जो आपका एक साधारण सा जो एक फ्रेंड था वो 15 साल बाद अपने आप को पूरा चेंज कर लिया, क्योंकि वो थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत नहीं करना होता किसी को, हर हर दिन भी अगर कोई 10 मिनट अपने बारे में सोचेगा ना, तो भी 10 साल बाद ना वो ना एक एक डिफरेंट थॉट का पर्सन बन जाएगा जिसको कोई टच नहीं कर पाएगा, सिर्फ 10 मिनट भी अगर अपने लिए निकालेगा। तो अलग बात है कि हम अपने बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, हम इग्नोर करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर कोई बोले कि अपने लिए तो एक बार सोचो, एक डायरी लिखो अपने बारे में, और वो डायरी किसी को नहीं दिखाना है ना। अगर भगवान आपसे बात करने अगर आ गया ना कि आप क्या सोचते हो ना, तो आप डर जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि एक डार्क फेस भी होता है ना, आपकी ज़िंदगी का एक डार्क फेस होता है जो किसी को नहीं पता होता है, आपके नेगेटिव थॉट। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हो, नेगेटिव नेगेटिव कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हो जो कि आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है इन जनरल ज़िंदगी में, इसलिए कई बार लोग ड्रीम भी वो देखते हैं जो उनको लगता है कि फिजिकल पॉसिबल नहीं है, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, उस चीज़ को ड्रीम देखते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि कितना भी पेन हो, प्यारी सी लाइफ होती है, जितने दिन की जर्नी है उसको यूटिलाइज करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 19 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी का एक दिन, अगर एक दिन का एक घंटा अगर अपने साथ अगर आप स्पेंड करना चालू किए ना, अपने साथ अपने आप से बात तो करके देखो, हु आर यू, एक्चुअली व्हाट यू वांट। अगर आपको ये नहीं पता कि हु आर यू, और आपको ये नहीं पता कि आप चाहते क्या हो, और आपको ये नहीं पता कि अगर कुछ चाहते तो उसको पाना कैसे है, फिर मजा ही क्या होगा, फिर तो जर्नी तो स्ट्रगल पे बेस्ड होगी। तो एटलीस्ट आपको पता रहे कि आपके हैप्पीनेस वाला पार्ट क्या है, आप अपनी लाइफ को कैसे कंटिन्यू करते हो। नहीं तो ना, अभी अभी का जो टाइम चल रहा है यंग जनरेशन का ना, वो बहुत आने वाले, मैं एक बार एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, वो पूरी दुनिया के लिए था, इंडिया के लिए नहीं था। उसमें था कि जो यंग जनरेशन है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया की जो यंग जनरेशन है, वो बहुत फास्ट मोड में है, क्योंकि सब दुनिया फास्ट हो रही है। स्मार्टफोन आप देख रहे हो, आप देखते हो कि हर सितंबर में एप्पल अपना एक मोबाइल लॉन्च कर देता है नए फीचर के साथ। एप्पल की जो उसकी वॉच आती है वो नए फीचर के साथ आ जाती है, उसका जो एप्पल आईपैड जो आता है वो नया फीचर के साथ आ जाता है। दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है, ये ठीक है फास्ट चेंज होना, इट्स ओके, लेकिन लोगों का थॉट भी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, और पॉजिटिव थॉट ना फास्ट वे में कम हो रहा है और नेगेटिव थॉट फास्ट वे में बढ़ रहा है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आने वाले समय में ना लोगों को भले चाहे कोई प्रॉब्लम ना हो दूसरी, सबको ना एक मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। आने वाले 10 साल का रिसर्च ये है कि लोगों को नींद कर लेने के लिए मेडिसिन की नीड होगी, गोली खाना पड़ेगा, उसके बिना नींद नहीं आ पाएगी। इतना वो ओवर थॉट हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के साथ, सक्सेस और फेलियर के साथ, उनको नींद नहीं आएगी आफ्टर 10 ईयर्स। और ये 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 एक अच्छा रिसर्च नहीं है अगर ऐसा होता है तो।
अगले 10 साल बाद मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा जो वर्क किया जाएगा वो इस पे किया जाएगा कि मेंटल स्टेबिलिटी, काउंसलिंग और ये सब पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। साइकोलॉजी जो है ना, एक मेंटल साइकोलॉजी, इस पे जितने लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग बहुत आगे जाएंगे लाइफ में। डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, लाइन लगी रहेगी, पता है कोई अच्छा अगर साइकोलॉजी वाला, काउंसलिंग वाला डॉक्टर होगा ना, लाइन लगी रहेगी आफ्टर 10 ईयर्स। ऐसे 200 200 300 300 लोग ऐसे लाइन लगा के वेट करते रहेंगे। क्यों? वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं। क्यों? उनको समझ नहीं आ रहा उनकी प्रॉब्लम क्या है। याद रखना, आप उसका पार्ट मत बनना। आपके पास पैसा कम है, आपके पास आप फेमस ना हो, अगर आप मेंटल स्टेबिलिटी वाले पॉइंट्स पे अगर टिके रहे ना, तो जिंदगी खूबसूरत होगी। मिडिल क्लास फैमिली में आपके पापा के पास बहुत पैसा तो नहीं होगा, बहुत सक्सेसफुल भी ऐसे तो नहीं होंगे। मेरे पापा तो नहीं है बहुत सक्सेसफुल, पैसा भी नहीं है। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं बात एक्चुअल बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो उनको कभी भी ऐसा मेंटल स्टेज में नहीं देखा कि उनके पास पैसा कम है। और हम तो 4 लोग हैं, तो 4 बच्चों को पालना, मतलब मेरा तो एक बेटा है, मेरे को लगता है 4 को पालना मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क लिख सकता हूँ मैं जिंदगी का। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं देखा स्ट्रेस में, कभी हमको ये फील ही नहीं कराए, कभी बात ही नहीं करते थे पैसे की, नहीं था, लेकिन कभी फील नहीं कराए, कभी मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो उनसे कोई बहुत आगे था, और वो एक फॉरेस्ट गार्ड थे और उनसे आगे कोई था जो उनसे इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो उसके लिए कभी वरी करते थे। तो पुराने लोग ना, आपके भी पेरेंट्स लोग ना, आपके पेरेंट्स लोग मेंटल स्टेबल है, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है। नहीं, मिडिल क्लास फैमिली के पास कितना पैसा होगा यार, 25 30 40 50 हज़ार की जॉब से ज़्यादा क्या होगा? मेरे पापा का तो उतना भी नहीं था, 10 हज़ार 12 हज़ार की जॉब क्या ही होगा। कोई टीचर होगा मिडिल क्लास फैमिली में, किसी के फादर 40 हज़ार होगा। 40 हज़ार कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती आज के डेट में, अगर एक दो बच्चों को पालना है तो 40 हज़ार तो ऐसे निकल जाता है। तो इसका क्या मतलब है, लाइफ ना जी है। तो आपको लगता है कि आपको ये सब चीज़ें परेशान करेगी, फेलियर वाला पार्ट, आपको लगता है कि आपको मनी और मतलब सक्सेसफुल वाला पार्ट अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप अपनी जर्नी में चेंजेस लाओ ना यार, अपनी जर्नी में चेंजेस लाओ। आप अपनी जर्नी में चेंजेस नहीं लाओगे तो चीज़ें ना आगे चल के ना बहुत कनेक्टेड नहीं होगी, आपको सोसाइटी से आप डिसकनेक्टेड लगोगे। सच बता रहा हूँ, प्यारी सी जिंदगी है, अच्छे से जीना है। अच्छे से जीने का मतलब है सक्सेसफुल के कंपेयर में ज़्यादा अच्छे से जीना है, एक रिच पर्सन के कंपेयर में ज़्यादा अच्छे से जीना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने को ट्राई नहीं करना है, अपने को अपना बेस्ट इनपुट देना चाहिए। वही इनपुट में कमी है, वही इनपुट में कमी है। हम अपने स्ट्रगल के सामने अपने इनपुट को जब कंपेयर करते हैं तो हमारा इनपुट गिर जाता है, स्ट्रगल करने लगता है हमारा इनपुट। हमारे हमारा डेली का रूटीन लाइफ का भी अपने आप से बात करो ना, अपने आप से बात करो, पिछले 1 साल में आप अपने रूटीन लाइफ में क्या क्या किए हो, कितने लोगों से बात किए रात रात भर फोन पे, कितनी मूवीज देखे बैठ के, नेटफ्लिक्स के कितने सीरीज देखे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आप क्या करते हो, ये तो आप टाइम पास करें, उसके बाद जो बचता है उसको भी गजब टाइप से वेस्ट करते हो। क्या? सो तो रहे हैं, बैठे हुए हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो जिंदगी में प्लस क्या किए। तो आप अपने 10 ईयर्स के अगर लिखने जाओगे एक डायरी ना, तो आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर आप किसी को भी ना कभी भी ना पॉइंट नहीं करोगे कि मेरी जिंदगी का में कोई रीजन है कि मैं पीछे क्यों हूँ। आप पिछले 1 साल का ही सोच लो, आप अपनी जिंदगी में ना, जो लोग बोलते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रगल हो रहा है सर, एग्जाम नहीं निकल रहा, अपनी 1 साल की जिंदगी को एक बार चेक तो करो, लिखो तो एक बार अपने बारे में, किसी को मत बताओ ना, किसी को बताने की क्या जरूरत है। आप चेक करना तो आपको पता चलेगा एक्चुअली आप कैसे जी रहे हो, एक्चुअली आप कर क्या रहे हो। सच बोल रहा हूँ, आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, बहुत सॉल्यूशन आपके पास है, जबरदस्ती आप इधर उधर खोज रहे हो, जबरदस्ती मतलब मोटिवेशनल स्पीकर को ढूंढ रहे हो। आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, वो तो आप लोग बोल दिए तो मैं बोलता हूँ और आप लोग को अच्छा लगता है। मैं नहीं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम ओनली टीचर जो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाता है। फिर आप डिफरेंट संदीप महेश्वरी सर को सुनते हो, ही इज वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर, बिंद्रा सर को सुनते होंगे, लेकिन सॉल्यूशन उनके पास नहीं है।
किसी के पास आपका सॉल्यूशन कैसे होगा? आपको कोई जानता है क्या? आप हो, आपका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। इस चीज को भूलना मत। आप अपने आप से एक बार बात तो करना चालू करो। सॉल्यूशन आपके पास है, यकीन मानिए। ठीक है, इस पे कभी सोचना। ठीक है, तो जस्ट मेरे को लगा कि आप लोगों से बात करता हूँ, जस्ट आपको रियलाइज करवाता हूँ कि एक्चुअली हम क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ आंसर मिलेगा आपको, कहाँ भटक रहे हो। यस, ठीक है। तो चलो, आप ऐसे इंजॉय करते रहो लाइफ को, प्रॉपर केयर करो। एक्चुअली जिंदगी की डेफिनेशन जो है, लाइफ की जो डेफिनेशन है, उसको सॉर्ट आउट करो कि एक्चुअली वो क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।